Hey guys, welcome back to 06 Study Point. और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके SSC JEE की सैलरी स्लिप के बारे में। उसी के साथ हम बात करेंगे कि आपके SSC JEE में इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, आपकी जो 2019 में जो चेंजेस हुए हैं, जो 7th पे कमीशन आया है उसके बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी, और उसी के साथ हम बात करेंगे कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा था कि सर हमारी सैलरी कितनी होती है SSC JEE की अगर हम एग्जाम क्रैक करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कितनी सैलरी होती है, इन हैंड कितनी मिलती है, डिफरेंट अलाउंसेस क्या मिलते हैं, कितने मिलते हैं, उसी के साथ हमारा वर्क क्या होता है SSC JEE अगर हम क्रैक करते हैं तो। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो गाइस हम बात कर लेते हैं इसमें जो प्रोफाइल जो आपका SSC JEE में होता है उसके बारे में। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपकी जो सैलरी होती है सभी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। लाइक आपके और आपके फ्रेंड थे दोनों का जो डिपार्टमेंट दोनों की जो ब्रांच है, लाइक आपकी इलेक्ट्रिकल है और आपके फ्रेंड की सिविल या मैकेनिकल है, तो जो आपकी जो सैलरी में चेंजेस होंगे उन दोनों में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करती है आपकी ब्रांच पे और आपके डिपार्टमेंट पे, उसी के साथ आपकी पोस्टिंग का है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर भी आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि आपके जो अलग अलग डिपार्टमेंट की SSC रिक्रूटमेंट करता है। ठीक है, और अलग अलग पोस्ट की करता है, तो डिपार्टमेंट आपका या तो CWC हो सकता है, सेंट्रल वाटर कमीशन हो सकता है, CPWD हो सकता है, DOP हो सकता है, MES हो सकता है, फरक का बैराज हो सकता है, तो DGBR हो सकता है, तो बहुत सारे इसमें आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सैलरी प्रोवाइड करते हैं। बट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपकी मिनिमम सैलरी और अलाउंसेस आपको कितने दिए जाते हैं। ठीक है, तो वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले हम वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस जो आपकी वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टार्टिंग से, सबसे पहले आपको जो वर्क दिया जाता है वो सुपरविजन ऑफ वर्क होता है। उसके बाद गाइस आपको प्लानिंग दी सिखाई जाती है, प्लानिंग दी जाती है, उसके बाद आपको अकाउंट्स दिया जाता है, उसके बाद आपको स्कीम एग्जीक्यूशन सिखाई जाती है, उसके बाद आपका असिस्टिंग सुपीरियर्स। उसी के साथ हम इसमें यह भी बात करने वाले हैं कि आपकी ग्रोथ क्या होगी। ठीक है, आप लाइक एज अ इंजीनियर ज्वाइन करो, पहले इसी के बारे में बात कर ले, जूनियर इंजीनियर, सबसे पहले आज जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो आप एक जूनियर इंजीनियर होते हो, उसके बाद आपकी जब पोस्ट इंक्रीज होती है तो होते हो आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और उसके बाद आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं आपकी मिनिमम सैलरी के बारे में, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है SSC JEE में अगर आप 2019 क्रैक कर सकते हो करते हो तो। गाइस आपका जो ग्रेड पे है वो आपका 4200 है। ठीक है, और आपकी जो SSC JEE की इन हैंड सैलरी मिनिमम है वो आपकी 29,455 to 33,907 है। ठीक है, और SSC JEE की ग्रोथ सैलरी इंक्लूडिंग ऑल द अलाउंसेस जो मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम में यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आपकी 32,667 और 37,119 रुपीज। बट सैलरी स्ट्रक्चर फॉर SSC जूनियर इंजीनियर JEE आफ्टर 7th पे कमीशन, तो ये आपकी जो सैलरी होगी वो 7th पे कमीशन के बाद कितनी होती है। ठीक है गाइस, तो जो न्यू पे है आपका, न्यू बेसिक पे 1 जनवरी 2016 के बाद से, वो आपका ऑल अलाउंसेस जो भी होंगे आपके पोस्ट वो लगाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, तो आपकी जो सैलरी होगी वो मिनिमम 35,400 से लेके 1,12,400 तक हो सकती है। ठीक है, और उसी के साथ जो स्टार्टिंग में आपको जाते ही मिलती है, स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो आपको 44,000 पर मंथ मिलेंगे। ओके, 44,000 आपको पर मंथ मिलेंगे एज अ जूनियर इंजीनियर जब भी आप ज्वाइन करते हो किसी भी डिपार्टमेंट में। मिनिमम जो भी आपकी मिनिमम सैलरी होगी वो आपकी 44,000 होगी, जैसे ही आप ज्वाइनिंग करते हो जो आपको एक महीने के बाद सैलरी मिलेगी वो आपकी 44,000 रुपीज़ होगी, इंक्लूडिंग ऑल द अलाउंसेस। अलाउंसेस में आपके क्या क्या आते हैं, आपका डेयरनेस अलाउंसेस आता है, आपका मेडिकल अलाउंसेस आता है, आपका हाउस रेंट अलाउंसेस आता है, आपका ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी आते हैं, और आपके अदर स्पेशल अलाउंसेस, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो कि जिसके अलग अलग अलाउंसेस आपको सैलरी के साथ ही पे करे जाते हैं। ठीक है, तो यही आपकी चीज़ होती है। और आपकी ग्रोथ क्या होगी फ्यूचर में, आपकी ग्रोथ क्या होती है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप जो ज्वाइनिंग करते हो तब आप एक जूनियर इंजीनियर होते हो, बट जैसे जैसे आपको वहाँ पे टाइम होता है और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, आप वहाँ पे वर्क अच्छे से करते हो, और जितना ज़्यादा आप अच्छे से वर्क करोगे उतनी जल्दी आपका प्रमोशन होने के चांसेस होते हैं। सो सबसे पहले आप जूनियर इंजीनियर होते हो, फिर उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हो, और उसके बाद आप एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर होते हो। ठीक है, तो ये था गाइस आपका सैलरी स्लिप के बारे में, आपकी मिनिमम सैलरी जैसे ही आप ज्वाइनिंग करते हो आपको मिनिमम 44,000 मिलेगी, जो कि आपके इंक्रीज होते होते 1 लाख से भी अबव जा सकती है और जाती है,
और 44 आपकी मैंने मिनिमम बताई है, आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आप ज्वाइन करोगे वहाँ पे आपको इससे ज़्यादा ही मिलेगी। ठीक है गाइज, सो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्यूचर के सभी अपडेट्स के लिए। अगर आप SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जल्दी ही आपके रीजनिंग के लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बताऊंगा कि SSC JEE की रीजनिंग को आप जल्दी से जल्दी 30 मिनट में आप किस तरीके से 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो हम रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पे। तो अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, क्विक रीजनिंग सीखना चाहते हो, तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लेना फ्यूचर के सभी अपडेट्स के लिए। ठीक है गाइस, आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।